इंडिया में सबसे लग्जरी कार कौन कौन सी है जो कि 50 लाख से कम की नहीं और 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होंगी। मैं आपको इस बजट में 10 कारें बताऊंगा जो कि काफ़ी बेहतरीन लग्जरी कारें हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। 10वें नंबर पर ऑडी कंपनी की क्यूएट आई है जो कि 5 सीटर एसयूवी कार है। इस गाड़ी को अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च करा गया है और गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलती है, 3 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, इसमें कि आपको 48V मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है और गाड़ी में AWD ड्राइव ट्रेन मिलता है और गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं जैसे एम्बिएंट लाइटनिंग, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ए पैनारोमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट्स। और गाड़ी की कीमत है 98,98,000 रुपये से लेकर 1,33,00,000 रुपये तक की। फिर आइए BMW X3। ये 5 सीटर SUV कार है। X3 का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और लुकिंग भी काफ़ी बेहतरीन लगती है। गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी के कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं जैसे LED हेडलैम्प्स, बिगर किडनी ग्रिल, न्यू फॉग लैम्प यूनिट, न्यू टेल लैम्प डिज़ाइन और 10.2 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम। और गाड़ी की जो कीमत है 61,20,000 रुपये से लेकर 61,90,000 रुपये तक की। फिर आइए वोल्वो XC90। ये 4 सीटर कार है। इस गाड़ी की लुकिंग काफ़ी यूनिक है और अच्छी लगती है। गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। अगर गाड़ी के कुछ बेहतरीन फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, रेडर बेस्ड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और गाड़ी की जो कीमत है 80,90,000 रुपये से लेकर 1,31,00,000 रुपये तक की। जीप रैंगलर। जीप रैंगलर 5 सीटर SUV कार है। रैंगलर काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। ये कार पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन गाड़ी मानी जाती है ऑफ रोडिंग के लिए और गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलती है, इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। गाड़ी में काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे 8.4 इंच यू कनेक्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। और गाड़ी की जो कीमत है 63,94,000 रुपये से लेकर 68,94,000 रुपये तक की। फिर आइए लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक। लैंड रोवर की सारी गाड़ियां ही लग्जरी होती हैं क्योंकि महंगी तो है ही। और गाड़ी जो है डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। अगर गाड़ी के कुछ बेहतरीन फीचर्स की बात करें, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम जैसे और भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। और गाड़ी की जो कीमत है 58,00,000 रुपये से लेकर 61,94,000 रुपये तक की। फिर आइए BMW X5। X5 भी काफ़ी बेहतरीन कार है। BMW कंपनी की सभी गाड़ियां ही लग्जरी हैं और ये गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, इसमें 3 लीटर पेट्रोल इंजन और 3 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। अगर गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात करें, इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ए पैनारोमिक सनरूफ, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है काफ़ी बेहतरीन वाला। और गाड़ी की जो कीमत है 75,50,000 रुपये से लेकर 87,00,000 रुपये तक की। फिर ऑडी A6। ऑडी A6 ऑडी कंपनी की काफ़ी बेहतरीन कार है और लग्जरी कार है। ये गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलती है, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात करें, इसमें ASR ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट एंड रेयर सेंसर विद 360 डिग्री व्यू, EBA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और गाड़ी की कीमत 54,42,000 रुपये से लेकर 59,42,000 रुपये तक की। फिर आइए लैंड रोवर डिस्कवरी। ये 7 सीटर SUV कार है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लैंड रोवर की सारी गाड़ियां ही लग्जरी होती है, ये गाड़ी भी इस बजट में आ गई है और गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलती है, जिसमें कि 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यानी इस गाड़ी में डीजल इंजन नहीं मिलता, सिर्फ पेट्रोल ही मिलता है। और अगर गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, रेन सेंसिंग, विंड स्क्रीन वाइपर, LED हेडलैम्प्स विद ऑटो हाई,
बीम असिस्ट 8 इंच रियर सीट एंटरटेनमेंट मिलता है और गाड़ी की कीमत 75,59,000 रुपये से लेकर 87,99,000 रुपये तक की। फिर आई वेलफायर। वेलफायर टोयोटा कंपनी की 7 सीटर एमयूवी कार है और काफ़ी लग्जरी गाड़ी है। इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारा कंफर्ट मिलेगा और गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलेगी, जिसमें 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसमें वेंटिलेटेड मेमोरी सीट्स विद एन ऑटोमन फुल रिसाइकलिंग फंक्शन, ट्विन सनरूफ, सनशेड, एम्बिएंट लाइटनिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और गाड़ी की कीमत 83,50,000 रुपये की है। अब लास्ट कार आई लैंड रोवर रेंज रोवर विलेर। ये काफ़ी बेहतरीन लग्जरी गाड़ी है और पेट्रोल इंजन में मिलती है, जिसमें कि 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जिसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कैबिन एयर, आयनाइजेशन, प्रीमियम लेदर इंटीरियर, LED हेडलाइट्स और DRL स्पार्क असिस्ट मिलता है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 73,30,000 रुपये की है। मैंने आपको 10 कारें बताई हैं जो कि 50 से कम नहीं है और 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये की नहीं है और काफ़ी बेहतरीन और लग्जरी गाड़ियां हैं। आपको इनमें से कौन सी कार सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए।